ओम साई राम। आप सभी का पुनः साई रात्रि संदेश में हार्दिक स्वागत है। मैं साई पूजा चैनल से उषा जोशी आपके लिए बाबा का प्यार लाई हूँ, बाबा के संदेश के रूप में। देखिए, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो मेरे साईं की कृपा, फिर दुनिया उसे कभी मिटा नहीं सकती। कितने सुंदर बात कही है किसी शायर ने। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों के कष्ट मेरे हैं। बाबा का हृदय मोम की तरह था और अब भी है, क्योंकि बाबा तो अब भी हमारे साथ हैं, बाबा जीवित हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तू मेरा सगा संबंधी है। सचमुच बाबा अपने बच्चों को अपना रिश्तेदार ही समझते थे, परंतु आज के इस युग में रिश्ते भी स्वार्थ पर टिके हैं। जब तक हमारी पोजीशन हाईफाई है, तभी सारे रिश्ते सार्थक हैं, नहीं तो पल भर में टूटते हैं, पल भर में बनते हैं। परंतु हमारा और बाबा का रिश्ता वो तो जन्मों जन्मों का है। बाबा को हम कुछ भी मानकर और बाबा से रिश्ता निभा सकते हैं। बाबा को माँ मान लो, पिता मान लो, बहन मान लो, भाई, दोस्त, बाबा हर रूप में हमें संभालते हैं। बाबा की आँखों में कभी आपने देखा है, जो बाबा की आँखों वाली तस्वीर है सिर्फ, या बाबा की कोई भी तस्वीर ले लो, कोई भी रूप ले लो बाबा का, बाबा की आँखों में कितनी करुणा भरी है। मैं तो जब भी बाबा का स्वरूप या बाबा की तस्वीर देखती हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा कहाँ हो? बाबा कहते हैं, देख, मैं तेरे पास हूँ, तेरे पास तो हूँ। तू मेरी तस्वीर, प्रतिमा, जो भी कुछ देख रही है, वो मैं ही तो हूँ। मैं साक्षात हूँ, मैं जीवित रूप में हूँ। जो तस्वीर, जो प्रतिमा, ये मेरा जीवंत रूप है। तू ध्यान से एकाग्र होकर तो देख, तुझे मेरी सांसों का, मेरे हिलते हुए होंठों का एहसास होगा। सच में बाबा को अपने भक्तों से बहुत प्यार है। वे उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बाबा के पास ऐसी ऐसी सिद्धियाँ थी, ऐसे पावर्स थे, ऐसी शक्तियाँ थी कि बाबा भिखारी को भी राजा बना सकते थे। यदि सच्चरित्र का 8वां अध्याय पढ़े तो उसमें बाबा ने यही कहा है कि सभी मानों में मुझे देखो, अर्थात भगवत दर्शन करो। और यदि सचमुच हम यह दर्शन करेंगे तो हमारा जो शत्रु है वो भी मित्र बन जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे कंपन वाइब्रेशंस हम सामने वाले को देखकर करेंगे, ठीक वैसे ही हमें मिलेंगे। यदि आप जिससे घृणा भी करते हैं और आपके समक्ष आ जाए, तो आप उसे मित्रता के, प्यार के वाइब्रेशन भेजो। क्योंकि दुनिया में और बाबा के, जब बाबा जीवित थे तब बाबा के भौतिक जीवन में बाबा को इतने प्रेम करने वाले मिले थे, क्योंकि बाबा उन सभी को प्रेम की दृष्टि से देखते थे और बदले में बाबा उनसे प्रेम ही पाते थे। और यही नहीं, कई लोग तो बाबा के समय में बाबा का बहुत तिरस्कार, घृणा, बाबा की परीक्षा लेना, अर्थात हर समय बाबा को परेशान करने में लगे रहते थे। पर उन्हें क्या पता था कि बाबा तो साक्षात परमात्मा है। बाबा कभी उनकी घृणा पर नहीं जाते थे। बाबा कहते थे, मैं तो पृथ्वी पर इसीलिए आया हूँ कि जो घृणा, जिनके हृदय में बहुत घृणा भरी है, जो बुरे से बुरे हैं, उनको मैं अच्छा बनाने के लिए आया हूँ। तो बाबा
उन व्यक्तियों को भी प्यार देते थे, उनसे घृणा नहीं करते थे। और अंत में वे ही जो बाबा का तिरस्कार करते थे, बाबा के चरणों में नत हो जाते थे। हम साईं सच्चरित्र में देखते हैं बाबा को प्रेम करने वाले कितने लोग थे। बायजा माँ, महलसापति, तात्या, नूलकर, खापरडे, बूटी साहेब, नाना साहेब और भी बहुत लोग थे जो बाबा को प्रेम करते थे। और बदले में बाबा ने भी उनसे प्रेम पाया और बदले में भी बाबा ने उन्हें बहुत प्यार दिया। तो क्या हम आज के युग में बाबा जैसे नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि आज के समय में भी बाबा का साक्षात्कार उन्हीं लोगों को होता है जो भरे हृदय से, अश्रुपूरित नेत्रों से बाबा को निहारते हैं, एकांत में उनसे पागलों की तरह बातें करते हैं, अपने सुख दुख चुपके चुपके बाबा से कहते हैं। और सचमुच वे भक्त यही अनुभव करते हैं कि बाबा सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा की तस्वीर के सामने जब हम उनसे बातें करते हैं तो लगता है बाबा हमारी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मेरा तो यही अनुभव है, भी करके देखिए। देखिए, किसी शायर ने बाबा के लिए कहा है कि सामने बैठे आप और दिल की हर बात हो, सामने बैठे आप और दिल की हर बात हो, रुक जाए फिर वक्त वहीं, न दिन हो न रात हो। तो बाबा को सिर्फ प्यार दो और बाबा से प्यार लो। यदि आप बाबा से नाराज़ भी हो जाएंगे तो भी बाबा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाबा इन सब चीज़ों से बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। तो बाबा से हर बार यही मांगो कि बाबा आप साक्षात हो, आप मेरे साथ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा, और बाबा तो निश्चित ही आपसे प्यार करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोल दो ओम साईं राम, और लो बाबा आपके साथ आ गए। ओम साईं राम।